की आती है पैथोफिजियोलॉजी, नेक्स्ट सेटिंग आपकी आती है एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो आपकी पहले एक्यूट केस होगा, एक्यूट केस में मैंने स्टेज ऑफ लिवर डैमेज का बताया था पहले, अभी मतलब आपका हेल्दी लीवर, फिर फैटी लीवर, देन फिर आपका लीवर फाइब्रोसिस, देन सिरोसिस, ठीक है। तो आपका जो फैटी लीवर कंडीशन है वो आपकी एक्यूट फेज कंडीशन है, ठीक है। एक्यूट फेज मतलब स्टार्टिंग फेज किसी भी डिसीज़ का, कोई डिसीज स्टार्ट होती है तभी हम उसको डिटेक्ट कर लें तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो फैटी लीवर आपका एक्यूट फेज था लीवर डिसीज़ का, और सिरोसिस ऑफ लीवर आपका क्रोनिक फेज था, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक्यूट फेज का नहीं, यहाँ पे हम लेंगे क्रोनिक इथेनॉल इनटेक, मतलब क्रोनिक फेज हो गया है उसमें भी हम इथेनॉल ले ही जा रहे हैं, ठीक है। अब मतलब इथेनॉल इनटेक हो रहा है हमारी बॉडी में, हमको पता है कि हमारे को डिसीज होने वाली है, देन फिर भी उसकी हैबिट नहीं छूट रही किसी इंसान की, वो इथेनॉल मतलब आपको अल्कोहल का डेली इनटेक हो रहा है, ठीक है। देन फिर वो आपका एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, जो आपका अभी मैंने इसी फेज की वजह से आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल का पूरा बता देता कि कैसे कैसे क्या कन्वर्जन होके वो आपका बॉडी में चलता है। तो आपका इथेनॉल आपका रेगुलर बेस पे जाएगा बॉडी में, तो वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, देन एसिटाल्डिहाइड दो पोर्शन में फिर आपका रहेगा NADH प्रोडक्शन एंड लिपिड परऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आएगा लिपिड परऑक्सीडेशन, मीन्स आपका आएगा मतलब फैटी लिवर वाला प्रोसेस, लिपिड जो आपका जा रहा है मतलब आपके जो ज़्यादा हैवी ज़्यादा इथेनॉल जो है वो फिर क्या लिपिड में मतलब फैट लिपिड में कन्वर्जन होने लगता है उस चीज़ का, फिर वो आसपास आपके लीवर के आसपास के जो है वहाँ पे फैटी लीवर केस मतलब फैट की एक लेयर बन जाती है आसपास, उसी को हम फैटी लेयर बोलते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड का इन दोनों में कन्वर्जन NADH मतलब निकोटामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसका ये रिड्यूस फॉर्म है। इस रिड्यूस फॉर्म में ये आपका मतलब कैसे वर्क करता है, ये एज अ को फैक्टर मीन्स एज अ हेल्पर मॉलिक्यूल वर्क करता है, को एंजाइम्स के आपका एंजाइम जो आपका वर्क करते हैं कैटलिस्ट का, तो उसके लिए आपका ये मतलब एज अ को फैक्टर वर्क करता है। तो इसका क्या होगा फिर, ये फर्दर आपका लिपोजेनेसिस मतलब आपका लिपिड वाली जो पूरा लिपिड का पूरा आपका, ये आप बायोकेमिस्ट्री में लिपिड वाले पोर्शन में इसको इन ब्रीफ आप पढ़ सकते हो, लिपिड के उसमें चेंजेस आ जाएंगे, मतलब वो जो आपके मॉलिक्यूल है इथेनॉल का वो लिपिड में कन्वर्जन होने लगेगा उसका, देन फिर वो आपका फैटी लिवर का चांसेस बन जाएगा। तो एक तो ये वाली आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन फिर वो ऑक्सीडेटिव स्टेट मतलब आपके फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनने लगेंगे, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होने लगेंगे, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं कहीं पर भी तो वो कैंसर का कॉज करते हैं, आपका पूरा मैकेनिज्म चेंज कर देते हैं। तो फ्री रेडिकल फॉर्म होने लगेंगे तो वो किसका कारण बनते हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट होना ही हमने आपका मैकेनिज्म पढ़ा था सेल इंजरी का, सेल डैमेज का, ठीक है, सेल डेथ वाले पोर्शन फर्स्ट यूनिट में, तो वही है यहाँ पे फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे आपके तो आपका हिपोटोसाइट इंजरी करेंगे, मतलब आपकी लिवर सेल्स की इंजरी, लिवर सेल डैमेज होने लगेंगे डायरेक्ट, और यहाँ से भी इस पर फर्क पड़ेगा, फिर लास्ट में आपका लिवर फाइब्रोसिस एंड लिवर सिरोसिस वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ऐसे करके आपका लिवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है एल्कोहल की इनटेक से।